एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। नमस्कार, मैं हर्षिता लालवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऐतिहासिक शाम के ग्रामीण भारत टीवी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में। ग्रामीण भारत परिवार सबसे पहले कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी से अनुरोध है कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत के लिए सर्वप्रथम माँ सरस्वती की शरण वंदना के लिए दीप प्रज्वलित कर पुष्प माला के द्वारा पूजन करें। मैं ग्रामीण भारत टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर चीफ श्री विनीत श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडीजीपी साइबर सेल आईपीएस श्री योगेश देशमुख जी को पुष्पगुच्छ और ग्रामीण भारत टीवी चैनल का प्रतीक देकर उनका स्वागत करें। मैं ग्रामीण भारत टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ विनीत श्रीवास्तव जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि यह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के संचालक श्री राजीव चौधरी जी को पुष्पगुच्छ और ग्रामीण भारत टीवी चैनल का प्रतीक देकर उनका स्वागत करें। मैं पुनः श्री विनीत श्रीवास्तव जी भारत टीवी चैनल का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करूंगा। श्री विनीत श्रीवास्तव जी से पुनः अनुरोध है कि वह पत्रकार श्री सुधीर पांड्य जी को पुष्पगुच्छ और ग्रामीण भारत टीवी चैनल का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। उम्मीद से बढ़कर हमेशा मेरा साथ देते हैं। कभी भी कहीं भी कैसे भी चला जाऊं, कभी ना उनके पास से मैंने मेरे लिए नहीं सुना, इवन किसी के लिए नहीं सुना, ये भी असलियत है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय मंत्री जी ही नहीं, उनका पूरा स्टाफ भी उसी तरीके से सहयोग करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में एडीजीपी श्री योगेश देशमुख जी ने भी उस समय से मेरा साथ दिया है जब मैं भोपाल में नया नया आया था। मैं पीछे पड़ गया था कि मेरे प्रोग्राम में आना जरूरी है, तो सर बाहर थे उसके बावजूद आए, सुबह मुझे फोन किया, विनीत खुश हो जाओ मैं आ चुका हूँ। मैं पढ़ी हुई लिखी हुई स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, जो गुजरा है मेरे पास ऊपर मैं वो बता रहा हूँ। फिर बादल सर की मैं बात करूँ तो बादल सर ने 2004 में मुझे पढ़ाया है माखनलाल में, और अचानक मुझे पता लगा सुधीर सर के माध्यम से कि बादल सर भोपाल में है, तो रहा नहीं गया और बादल सर के पास दौड़ के गया कि सर आना है। तो सर ने मुझे फोन करके बोला कि विनीत कुछ शर्तें हैं मेरी, मैंने सारी शर्तें मंजूर की, आप आ जाओ। शर्तें कुछ नहीं थी, टीचर वाला खौफ था, और सबसे बड़ी बात ये कि जब कानों में आवाज पहुंची थी दूरदर्शन या आज तक की, तो राजेश बादल सर का मध्य प्रदेश से और दूसरे जगह से जो रिपोर्टिंग होती थी वो दिल में आज भी बसी है। ये कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करूंगा कि राजेश बादल सर का प्रेजेंटेशन और उनकी आवाज सुनकर ही हम लोग मीडिया में आए, तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी बात है। सुधीर सर, मतलब ये बोलूं कि मेरे पेरेंट्स हैं भोपाल, जब भी कोई तकलीफ पड़ी तो वो थे मेरे पास। अलग व्यक्तित्व है, सीनियर पत्रकार हैं, चिंतक हैं, और शब्दों में वो जादूगरी है कि आपको खड़े खड़े सम्मोहित कर सकते हैं आर्टिकल के रूप में, सच्चाई भी रहती है सर के उसमें। चौधरी सर से मैं परिचय तकरीबन 2-3 साल से मेरा हुआ है, और जब भी उनके पास मैं गया हूँ किसी चीज को लेकर कि सर ये कैसे होगा ये बताइए, आपका विभाग है, टेक्निकल है, पत्रकार हूं तय बात है और खोदना जानता हूं, तो हमेशा खोदने की कोशिश करता हूं चौधरी सर को। लेकिन एक चीज है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा जवाब जरूर दे देता है। एक दो बार हुआ है कि ये बोला कि कल आके पूछ लेना, लेकिन कल जवाब दिया है। तो ऐसे मंच पर विराजित लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है, तो इनका स्वागत मैं क्या कर सकता हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। और जहां तक ग्रामीण भारत टीवी की बात है, तो सन 2010 में जब मैं दिल्ली में एक नेशनल चैनल में काम करता था, तो दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना शुरुआत की जाए ऐसे चैनल की जो खेती किसानी को नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण परिवेश को अपने में समेटा हुआ है। तो बात आई, मेहनत शुरू करी, सबसे पहले ग्रामीण भारत TV.com हम लोगों को किस्मत से मिल गया सर उस समय की आईडी हम लोगों के पास अवेलेबल थी, ऑनलाइन चैनल था, तो शुरुआत की और तकरीबन हम लोग सक्सेस हो गए। लाइफ चलती रही वहां पर, धीरे 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 काम बढ़ता गया। इस दौरान कई नेशनल चैनल्स में काम भी करता रहा, लेकिन ग्रामीण भारत टीवी को कभी नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा था जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3000 रिपोर्टर्स ग्रामीण भारत के तैयार थे, जब दिल्ली में हम लोग थे यहां से भी मेहनत कर रहे थे। फिर भोपाल आना हुआ, मध्य प्रदेश से फिर शुरुआत की, और आज इस मुकाम पर है कि तकरीबन मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में हम लोगों के पत्रकार या हमारे जो साथी हैं वो काम कर रहे हैं ग्रामीण भारत चैनल पर। का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार के अधिकतर मंत्री और अधिकारी जो हैं वो अपने इंटरव्यू दे चुके हैं। खबर में तीखापन होता है हम लोगों की ये मानते हैं, लेकिन फिर भी सहूलियत से सच्चाई को बताने की कला ग्रामीण भारत को बहुत अच्छे से आती है। लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को पीछे छोड़कर नहीं, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों को आगे पहुंचाना है जो ऑलरेडी पिछड़े हैं, जो ग्रामीण हैं, और यकीन मानिए ग्रामीणों के पास आज सब कुछ है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग आवाज बनना चाहते हैं जो वाकई में, जिनको वाकई में आवाज बुलंद करने की जरूरत है, और ग्रामीण भारत तय बात है कि सबसे मजबूत है आज भारत। तो आप सभी लोगों का मंच पर विराजित लोगों के साथ मैं स्वागत करता हूं, बल्कि आप सभी मेरे परिवार है, फैमिली है, इसलिए स्वागत से ज्यादा अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। धन्यवाद। किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और ग्रामीण भारत परिवार को अपने आशीर्वचनों से
अनुग्रहित करें। जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। प्राणों से प्यारी, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय भारत माता के चरण में प्रणाम करता हूँ और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि दोनों मुट्ठी बांधकर जो मंच पे वो भी, जो खड़े हैं वो भी, और जो सामने बैठे हैं सभी से, क्योंकि हम सबकी ये भारत माता, इसी भारत माता में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हम खेले, बड़े पले, शिक्षित हुए, शादी विवाह हुआ और जीवन यापन कर रहे हैं सुखमय, और जब जाएंगे जब इसी में मिलेंगे। और इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का कहीं वास है, हम गौ माता में भी कहते हैं लेकिन भारत माता है, हमारी सभी देवी देवता इसमें वास करते हैं। इसलिए निसंकोच दोनों मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाएं ताकि भोपाल से दिल्ली तक आवाज जाए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम जय बलराम, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम जय बलराम। ग्रामीण भारत टीवी एक्सलेंस अवार्ड 2023 के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति बहनें बेटियां, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि मातृशक्ति के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। वो ताली बजाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। बाबा रामदेव के पास या रविशंकर जी के पास खर्च करके जाते हैं ताली बजाना सीखते, तो यहाँ तो फ्री में ताली बजाना सीख रहे हैं, तो जोरदार ताली बजाकर जाते हैं। हमारे सभी बुजुर्ग, उनके चरणों में प्रणाम। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन, और जिनको ग्रामीण भारत टीवी एक्सलेंस अवार्ड मिल रहा है उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन। और मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के हमारे आयोजक मेरे अभिन्न मित्र छोटे भाई विनीत श्रीवास्तव जी, हमारी बहन श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव जी, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडीजी श्री देशमुख जी और राजेश बादल जी, सम्मान करता हूँ उनका। और वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार बने, भारत मध्य प्रदेश के लिए और भोपाल के लिए गौरव की बात है। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। पांडे जी, और वो भी बहुत कलम से और देश के विकास में जो पत्रकार की ताकत होती है उन्होंने दिखाई है, उनका भी मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा, उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी अभिनंदन, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और हमारे कृषि अभियंता जी जो देख रहे हैं, राजू चौधरी जी, और हमारे बीच में हमारे किसानों के लिए संघर्ष करने वाले, किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने वाले भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री आदरणीय चौधरी जी, महजी चौधरी बैठे, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। सामाजिक नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो ये भारत देश जो है ये गाँव का देश है, किसानों का देश है। और जैसे ही विनीत मेरे पास आए, बोले मैं ग्रामीण भारत टीवी चलाता हूँ, तो जैसे ही ग्रामीण शब्द उनने बोला, क्योंकि मैं भी गांव का किसान का बेटा हूँ, मैं अभी भी मंत्री हूँ लेकिन मैं अपने आप को गांव का और किसान पहले मानता हूँ, बाद में मंत्री हूँ। और इसलिए गांव, ग्रामीण भारत नाम आते से ही असली भारत आता है, और चूँकि गाँव का रहने वाला हूँ उसके मुझे गर्व होता है। इसलिए विनीत जी आपको मैं हर तरह से सहयोग, मैंने कहा तुमको जो सहयोग चाहिए पूरा करेंगे, ग्रामीण भारत छा जाना चाहिए पूरे भारत के अंदर, क्योंकि असली भारत तो गांव में बसता है और खेती करता है। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष में जिनके हाथ में शुरू में सत्ता आई, उन्होंने ग्रामीण भारत की बहुत उपेक्षा की, गांव को पीछे रखा, किसानों को पीछे रखा और शहरी क्षेत्र का विकास किया। देखिए जब भारत सरकार का बजट होता था तो 80% लोग जब आज़ाद हुआ था भारत तो गाँव में रहते थे, 20% लोग शहर में रहते थे, लेकिन बजट का 20% गांव में खर्च होता था और 80% शहर में खर्च होता था। इसलिए शहर तो विकसित हो गया, गांव पिछड़ गए, शहर इंडिया हो गया और गांव हमारा भारत रह गया। इसलिए एक ही भारत में दो तरह के भारत का निर्माण हुआ,
लेकिन मैं बधाई देता हूं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांव की ग्रामीण भारत की चिंता की। उनके पास भी जो बजट आया तो वही 80-20 का था लेकिन उन्होंने देखते से उसको वापस लौटा दिया और अधिकारियों से कहा कि ये बताओ मुझे जनसंख्या कितनी गाँव के शहर की, तो बोले सब 68% गाँव में है 98 में और 32% शहर में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 32% शहर पर खर्च और 68% गांव पर, उन्होंने उस प्रकार का बजट बनाया जिसके कारण गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, जिससे गांव का विकास हो, गांव में झुग्गी मुक्त गांव होगा हमारा देश पूरा। उसके बाद में उनको गैस टंकी चूल्हा भी दिया, पीने के पानी के लिए हर घर नल से जल की व्यवस्था की, ग्रामीण भारत की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ ही दो हाथ को काम मिलेगा, ये 1,00,000 करोड़ रुपया जो है उसमें मध्य प्रदेश के हिस्से में आया 7,440 करोड़, जिसमें किसान वेयरहाउस बना सकता है, कोल्ड स्टोरेज बना सकता है, ग्रेडिंग मशीन लगा सकता है, सॉर्टिंग लगा सकता है, कुछ छोटे मोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है उसके लिए। वो मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर एक स्थान पर है। हमने 4,000 करोड़ रुपया किसानों की संस्था को, किसानों के एफपीओस को, किसानों की सोसाइटियों को, किसान की कंपनी को, किसान को दिया ग्रामीण के लिए। उसमें से 3,444 करीब हमने वेयरहाउस दे दिए, जिसमें पहली बार गांव वालों को 33% और 25% सब्सिडी मिली। उसके ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये जब तक इसका विकास नहीं होगा, शहर और गाँव की भेद जो है खाई दूर होगी और गाँव में शहर जैसा होगा, क्योंकि गाँव में अब सड़क बन रही है, गांव के अंदर बिजली 24 घंटे मिल रही है, गांव में अब उद्योग लगने लग जाएंगे, तो गांव भी शहर जैसे हो जाएंगे। सम्मान करने का मौका, उनको अभिनंदन करने का मौका दिया है भारत ने, भाई विनीत ने, बहन अनुराधा ने, मैं दोनों का और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि इससे अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन सम्मान, उनकी पीठ थपथपाना और गलत काम करने वालों को दंडित करना, उनका तिरस्कार करना, उनकी उपेक्षा करना किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश और देश में, किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा तब तक व्यवस्था सुधरेगी नहीं। और इसलिए जिन्होंने अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्र में उनका आज सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे, और जब इनका सम्मान होगा तो इनको देख के दूसरे लोग भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और एक देश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण होगा, एक रचनात्मक वातावरण होगा। और उनके निवेदन है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर आएं। गाय हमारी, इसलिए गाय को 33 करोड़ देवी देवता के पास करके, गाय का गोबर भी काम आता, गोमूत्र भी काम आता, गाय की हर चीज, उसके गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई और वनस्पति से पत्तियों से दवाई बनाए और उससे खेती करेंगे तो लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा और उसके साथ जो शुद्ध होगा तो जिनको हम खिलाएंगे, हम बताओ किसके लिए मेहनत करते हैं लोग, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पर हम क्या खिला रहे हैं। मैं खुद कहता हूँ मैं किसान हूँ, जहर पैदा कर रहा हूँ, खुद भी जहर खा रहा हूँ, अपने बच्चों को भी खिला रहा हूँ, समाज को भी खिला रहा हूँ, दुनिया को खिला रहा हूँ, तो बताओ पुण्य कहाँ से लगेगा। और इसलिए हमको वापस हमारी प्राकृतिक खेती पर आना पड़ेगा, उससे गौ माता भी बचेगी, गौवंश भी बचेगा, लागत भी कम होगी और जो शुद्ध अनाज होगा। इसलिए मैं सभी सम्मानित लोग आए हैं नेतृत्व करने वाले, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें और उसके लिए जो जो सहयोग चाहिए सरकार देने को, प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार है हमारी, वो देने को तैयार है ताकि हम देश में एक अच्छा पर्यावरण दे सकें, अच्छा वातावरण दे सकें, मिट्टी को बचा सकें, लागत भी कम करें, किसान को, गांव को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः विनीत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि हमारे समाज में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जितने अच्छे काम किए उनको आज यहाँ बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं ताकि इनको देख के बाकी भी सब मिलकर काम करें और एक नेगेटिव नकारात्मक की जगह सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ें और हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए हैं जो हमारे से पीछे हैं उनको आगे लाकर हम अपना जीवन को सार्थक कर सकें। इसी निवेदन के साथ कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाकर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर विराजित सभी मुख्य अतिथियों से
अनुरोध करूंगी कि वह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ग्राम बरई आगर मालवा से रामेश दांगी जी को, जिन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने गांव में 4,000 से अधिक पौधे लगाकर नदी के घाट का सौंदर्यकरण करवाया है और गांव के लोगों के द्वारा ही मंदिर का निर्माण भी करवाया। ग्रामीण भारत टीवी ग्राम बरई आगर मालवा के रमेश दांगी और उनके साथियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। Thank you.
ग्रामीण भारत टीवी हरदा जिले के गांव हंडिया के रेवा अजवीका स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती आशा संतोष केवट जी के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करता है। Thank you.
को लेकर काम करने वाले और नर्सरी में भी सभी प्रकार के पौधों पर खोज करने वाले, पौधा रोपण को बढ़ावा देने वाले व्यवसायी श्री राजकुमार कनकने के काम की आज हर कोई प्रशंसा करता है। ग्रामीण भारत टीवी श्री राजकुमार कनकने जी के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं। 47 सालों से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय श्री राजेश बादल एक अलग मुकाम रखते हैं। अब आपने हमेशा से सुना होगा कि पत्रकार टीवी, रेडियो या पेपर में से किसी एक का होता है, लेकिन विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राजेश बादल देश के उन अनोखे पत्रकारों में से एक है जिन्होंने पत्रकारिता के तीनों माध्यम में अपनी बात को दमदारी के साथ रखा। इलेक्ट्रॉनिक खबरों के शुरुआती दौर में राजेश बादल जी की आवाज हमारे कानों में सुनने को कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती थी, जो आज भी निरंतर जारी है। ग्रामीण भारत टीवी श्री राजेश बादल जी को पत्रकारिता में उनके अमूल्य योगदान के लिए आज इस मंच से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर गौरवान्वित हो रहा है। मैं ग्रामीण भारत को आज जो देख रहा हूँ वो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन या अनुष्ठान का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम सब लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। यहाँ अभी जेपी दीवान साहब आए थे, वो मेरे प्रेरणा थे कि मैं पत्रकारिता से अब किसान बनने की ओर अग्रसर हुआ हूँ। आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में मैं किसान हूँ और आप सब मेरे गुरु हैं जो आ रहे हैं यहाँ मंच पर। मैं सबसे सुनकर मेरा हौसला और बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी कतार में खड़ा हो जाऊंगा। शुक्रिया। वहीं प्रिंट मीडिया से टेलीविजन तक अपने शब्दों से विचारों को रखने वाले चिंतक और राजनीतिक पत्रकार के रूप में पहचान बनाने वाले श्री सुधीर पांडे 80 के दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है। हमेशा अपने अधीनस्थों को दिशा और रास्ता दिखाने वाले श्री सुधीर पांडे आज भी खबरों को अलग एंगल देने में पीछे नहीं रहते। ग्रामीण भारत टीवी श्री सुधीर पांडे जी को पत्रकारिता में उनके अमूल्य योगदान के लिए आज इस मंच से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर गौरवान्वित हो रहा है। अब बारी है हमारे ग्रामीण भारत टीवी परिवार के लोगों की, जिन्होंने ग्रामीण भारत को सींचा है, उसके साथ खड़े रहे हैं और हमें लगातार आगे बढ़ाया है। ग्रामीण पत्रकारिता एवं ग्रामीण भारत टीवी के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शमशेर सिंह, विशेष संवाददाता ग्रामीण भारत टीवी भोपाल। कहते हैं रुकावट के लिए खेत है किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन शायद आज जुबेर खान को रुकावट के लिए खेत पसंद आएगा, क्योंकि अगला अवार्ड ग्रामीण भारत टीवी के कैमरामैन जुबेर खान को दिया जाता है। जुबेर खान, उम्र छोटी है पर हौसला बड़ा है।
ग्रामीण भारत टीवी की दूसरी एंकर सांवरी नागर को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। सांवरी, आप गौर कीजिएगा, सभी एक कलर की साड़ी पहनी हुई है। अब पहली बार ऐसा होगा कि बहुत थक गए हैं शील्ड लाते लाते, तो इसलिए मैं पलाश प्रिया को यहां आमंत्रित करूंगा कि शील्ड लाते लाते बहुत थक गई है। पलाश प्रिया ग्रामीण भारत टीवी की तीसरी एंकर। कहते हैं कि जड़ें जितनी मजबूत होंगी पेड़ उतना ही ज्यादा मजबूत और फलदायक होगा। जी हाँ, ग्रामीण भारत का जो पेड़ है वो उसकी जड़ों के कारण मजबूत है, और उसकी जड़ों को मजबूत करते हैं जिले में काम करने वाले हमारे संवाददाता, जो गांव गांव डगर डगर मेहनत करते हैं और खबरों को खोज कर निकाल लेते हैं। मैं सागर से ग्रामीण भारत टीवी के संवाददाता श्री बीपी पटेल को मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्री बीपी पटेल, मैं अब बालाघाट जिले से निकेश चंदेले को मंच पर आमंत्रित करूंगा। निकेश चंदेले के बाद मैं निखिल वाजपेयी को आमंत्रित करूंगा जो कि छिंदवाड़ा से हैं। शब्बीर अख्तार ग्रामीण भारत टीवी शाजापुर संवाददाता। सुनील तनेजा ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता अशोक नगर। तालियां बजाते रहिए संवाददाता अशोक नगर। विजय रजक ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता शहडोल। विनोद विश्वकर्मा ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता छतरपुर। वहीं हम मध्य प्रदेश को छोड़ हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। शशिकांत बघेल ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता छत्तीसगढ़ से। वीरेंद्र साहू ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता छत्तीसगढ़ से। ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता अंसार खान काला पीपल से। सूर्यकांत पांचाली ग्रामीण भारत टीवी संवाददाता जबलपुर। अब हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो किसानों तक सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। मैं उन व्यवसायियों को बुलाना चाहूंगा मंच पर। लेकर यहाँ पर आया था, 550 लोगों के हिसाब से हम लोगों ने पूरी तैयारियां की थी, और 550 पौधे जस्ट जैसे ही आप नीचे उतरेंगे वहीं पर रखे हुए हैं, और सभी लोगों को पौधा गमले सहित लेकर जाना है। ड्रीम कुछ वक्त लीजिए। हाँ जी जी, मैं ये चाहूंगा कि वो पौधे को आप अच्छी जगह लेकर जाइए और अच्छी जगह उसे लगाइए पालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
ये शुरुआत, ये आइडिया मुझे हमारे मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने दिया था कि विनीत कुछ भी हो जाए पौधा वितरण जरूर कर देना यार। तो ये बड़ी चीज है और मैं तो चाहूंगा कि आप दो दो तीन तीन पौधे लेकर जाइए, अपने भी लगाइए और पड़ोसी के भी लगाइए, क्योंकि पौधे ज्यादा है लोग कम है। ठीक है, तो पौधे जरूर लेकर जाइएगा। इसके बाद दरअसल मंच पर मुझे फिर आमंत्रित किया जाना था आभार व्यक्त करने के लिए। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर मैं बढ़ चुका हूं। जी जी, जब तक विनीत का सम्मान नहीं होगा तब तक कैसा होगा। और से पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से जो अच्छा काम कर रहा उनकी ओर से, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी जो घटित होता है आईने की तरह होता है पत्रकारिता। आप जैसे हो वैसे दिखेगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा दिखेगा, गलत कर रहे हो तो गलत दिखेगा। ये दिखाने वाला अगर कोई है तो वो पत्रकार ही है, पत्रकारिता है। और ग्रामीण विकास, ग्रामीण भारत ने जो विकास हो रहा, जो अच्छे काम कर रहे हैं, आप सबको मंच पर लाकर समाज के सामने सम्मानित किया और इसका प्रचार प्रसार होगा तो अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो जो अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करें और गलत काम करने वालों को दंडित भी करें, उसको दिखाए ये गलत है ये सही है, वो पत्रकार ही हो सकता है। और इसलिए मेरे छोटे भाई विनीत का भी हम सब मिलकर जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और किसी भी पुरुष के आगे बढ़ने में महिला का साथ होता है तो आगे बढ़ता है। तो हमारी बेटी है के लोग, बहन के लोग, दोनों अनुराधा और विनीत दोनों आए, दोनों को हम सम्मानित करेंगे और जोरदार ताली बजाकर उनका दोनों। सभी लोगों के सुरुचि भोज का इंतजाम किया गया है। ये जो गेट है इसे खुलवा देते हैं हम लोग और यहीं से भी डिनर जरूर आप सात लोग करिएगा। लेकिन कार्यक्रम की अंतिम जो चीज़ है वो आभार व्यक्त करना होता है। मैं इस शब्द को थोड़ा सा विस्तार से कहूँगा कि मेरा पूरा परिवार यहाँ और यहाँ बैठा हुआ है, अपनों का आभार व्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन परंपरा है और ये मुझे निभाना होगी। और मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग फिर से मेरे साथ इसी मंच पर अगले साल फिर एकत्रित हो। एक नई सोच लेकर मैं आ रहा हूँ माननीय मंत्री जी, और मुझे पता है कि आपका साथ मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने वो सोच लिया है। मैं ये चाहता हूँ या मेरी टीम ये चाहती है आपके आशीर्वाद से कि हम लोग अगले साल 7 दिन का ग्रामीण उत्सव, ग्रामीण भारत उत्सव मनाए। तो ग्रामीण उत्सव में पूरे मध्य प्रदेश के और साथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो ग्रामीण हैं, जो लोकल लेवल पर अपनी चीज़ें प्रोडक्ट जो बनाते हैं, वो उस मेले पर आए और वो वहाँ से सेल करें। उनसे हम कुछ भी नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे, उन्हें सिर्फ जगह देंगे। 7 दिन का वो मेला, 7 दिन अपने प्रोडक्ट की वो बेहतर मार्केटिंग करें, बेहतर उस प्रोडक्ट को उस मेले से वो सेल करें, यही मैं चाहता था। वैसे कि आपका आशीर्वाद उसको मिल जाए मुझे आप सभी लोगों का, और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, ग्रामीण भारत टीवी के परिवार में शामिल हुए, ग्रामीण भारत टीवी के कुनबे को आपने आज और बड़ा बना दिया। हमारे विचारों को इस मंच से माननीय मंत्री जी ने साझा किया, साथ ही मेरे बड़ों ने उसमें भी मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से मेरा साथ देते रहें ताकि मैं ग्रामीणों की आवाज़ को लगातार बुलंद करता रहूँ। धन्यवाद। आपका खाना डिनर इस साइड लगाओ प्लीज। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।